Hello guys, welcome back to my channel King G, and आप सबका स्वागत है मेरी गेम माइनक्राफ्ट की कॉपी सुपर क्राफ्ट में। तो हम अब शुरू करते हैं अपने गेम किंग जी वर्ड। इस एपिसोड में हम अपने घर को थोड़ा पीछे की तरफ मतलब बड़ा करेंगे, और जो है हमारा वो एक मेहमान हमारे पास आया पप्पू भाई, तो उसके साथी भी अगर कोई देखेंगे हम ला सके तो ज़रूर लाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने सुपर क्राफ्ट के वर्ड में। तो इसको एक बेड लगा के देते हैं, बेड तो मेरे पास खुद नहीं है तो इसे कहाँ से लगा के दूँ। तो गाइस अभी रात हो रही है, हम पहले सोते हैं, सुबह उठने के बाद अपने घर की जो बैक साइड है उसको एक मतलब फ्लैट में करेंगे, और फिर उस पर अपना घर थोड़ा पीछे करेंगे। तो देखते हैं आप पीछे जाके क्या होता है। मुझे अपनी डायमंड स्वॉर्ड लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो गाइस हम नेदर पोर्टल यहाँ से रेस करने वाले हैं, क्योंकि घर थोड़ा बड़ा होगा और ये सारी चीज़ें हम पीछे ले जाएंगे। फ्रंट साइड से थोड़ा खाली रहना ही सही रहेगा। अगर फिर भी हमें कोई चीज़ बनानी पड़ी तो हम यहीं पे बनाएंगे। तो देखते हैं अब पीछे आ गए स्पाइडर। हेलो, मैं चला, मैंने आपसे पंगा नहीं लेना। हाउ आर यू स्पाइडर? गाइस मेरे ख्याल से जब तक हम स्पाइडर से को मारते नहीं है हमें कुछ नहीं कहती। देखते हैं। हाँ गाइस ऐसा ही है, जब तक आप स्पाइडर को कुछ कहेंगे नहीं यही ये भी आपको कुछ नहीं कहेगी। तो हम इसके पास से चुपकार के गुजर जाते हैं। हेलो स्पाइडर, अब ये शायद मुझे मारने आ रही है। नहीं गाइस, मेरी आवाज़ इस वक्त थोड़ी तोतली टाइप आएगी क्योंकि मैंने आज हेडफोन नहीं लगाया हुआ। तो देखते हैं अब जितना बड़ा हमने अपना घर करना है उतना इसे पीछे से फ्लैट करना होगा। तो देखते हैं अब कैसे क्या हो सकता है। गाइस फ्लैट करने से पहले हमें चाहिए कोबल स्टोन ताकि हम एक बाउंड्री बना सकें कहाँ तक हम करना चाहते हैं। भाई मैं एक बाउंड्री पहले बनाता हूँ उसके बाद शुरू करेंगे। तो यहाँ से बाउंड्री बनाना शुरू करते हैं। मैं इतना बड़ा इसे करने वाला हूँ। तो देखते हैं अब। आज मेरे कोबल स्टोन भी ख़त्म हो चुके हैं, शायद घर पे मेरे चेस्ट में पड़े हों, तो वहीं पे भी अभी जाके देखते हैं। अगर ना हुए तो हम नीचे चले जाएंगे अपने उस केव में, वहीं से देखेंगे, अगर मिले तो ठीक है वरना मिलेंगे यार वहाँ से, क्यों नहीं मिलने हमें। केव में कोबल स्टोन नहीं मिलने तो फिर कहाँ से मिलेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा ऑटोमेटिक फार्म, वीट फार्म। सो गाइस कोबल स्टोन मेरे पास हैं 64, और हमें और की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बनाएंगे। पहले इन 64 से काम करते हैं।
गाइस जो मेरे चैनल पे नया है जाकर चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो पहले तो हम अपनी बाउंड्री कंप्लीट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बाउंड्री लाइन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसे एक दीवार खड़ी करने वाले हैं तो वो भी करते हैं। तो फ्लैट हम बाद में करेंगे, पहले साइडों से इसे कवर करते हैं। पहले साइड से इसे कवर करके उसके बाद हम साइड से कवर करके उसके बाद हम इसे फ्लैट करेंगे। तो लेट्स सी, तो गाइस हमें अब तो जाना ही पड़ेगा केव में कोबल स्टोन लाने के लिए क्योंकि हमारे पास अब पहली दफा कोबल स्टोन की कमी हो चुकी है। तो देखते हैं, अपना पिकअप्स लेते हैं और फिर चलते हैं केव में। मेरी चेस्ट भी फुल हुई पड़ी है तो हमारे पास चेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा हैं, 64 पूरी हैं। तो हम इन्हें बाद में अब देखेंगे इनका क्या करना है। तो पिकैक्स भी हमें बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल से बनाते हैं पिकैक्स डायमंड। ओ भैया डायमंड मैंने कहीं नहीं खर्च किया, डायमंड और मेरे पास पड़े हैं। तो वन मिनट गाइस, तो मैं बनाने जा डायमंड पिकैक्स बनानी है तो उसके लिए हमें एक बन सकती है स्टिक। तो चल रहे, ये भी अच्छा है। दो डायमंड पिकैक्स मैं बना रहा हूँ, डायमंड पिकैक्स, एक डायमंड स्वॉर्ड भी बनाते हैं और डायमंड सारे कपड़े। हाँ तो गाइस डायमंड का हेलमेट एंड डायमंड चेस्ट प्लेट दोनों चीज़ें हमने बना ली हैं। तो अब हम चलते हैं उसी केव में। तो गाइस अभी तो रात हो रही है, सुबह होगी तो हम जाएंगे। अभी तो ऑल फ्रेंड गुड नाइट मॉर्निंग है, मुझे तो लगा रात, तो मैं दो मिनट पहले चला गया। तो आप सबको गुड नाइट हो जा, हो गई। आज मुझे नहीं पता अब जो साइड्स वाली ऑप्शन चली गई। चलते हैं उसी केव में और उसी लाइन में सब कुछ फिर एक दफा तहस नहस करने। तो इस केव की बेचारी क्या सोचती होगी, वो मैं ही मिली हूँ। जब जी चाहता है वो उठा के भागे चले आते हैं मेरे पास। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, एक टॉर्च यहीं पे
सब ठीक है, मेरे पास है भी एक थी सिर्फ। तो चलें हम अंदर। ओके गाइस, अब हम अपनी डायमंड पिकैक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं इस साइड पे, क्योंकि उधर अब रोशनी नहीं है। अब हम बनाएंगे अपना एन्चेंटमेंट टेबल इस एपिसोड में, नहीं शायद इससे अगली एपिसोड में हम, या उससे अगले 3 एपिसोड के दरमियान में हम अपना एन्चेंटमेंट टेबल तैयार कर लेंगे। और फिर अपने जो स्वॉर्ड वगैरह होंगे और पिकैक्स, इन्हें एन्चेंट कर मेरे पास हो चुके हैं 64 प्लस 17। तो हमें इस वक्त तो इतने ही ले जाने चाहिए, बाकी फिर आएंगे। गाइस हम सारा काम साथ साथ किए जाते हैं, ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का हमें। बोलना तो ऐसे भी टाइम वेस्ट है, बार बार चेक कर रखा हुआ हो जाओ उतना नहीं होगा। और एक तो हमें इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक केव के, तो गाइस हमारी जो है लग रही है कोबलस्टोन। यार वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार लाइक भी कर दिया करें। तो गाइस हम चलते हैं और लेने गोबल स्टोन। गाइस अब मैं नीचे नहीं जाने वाला, मैं यही दोबारा साफ करने वाला हूँ। यहाँ से हमें कोयल भी मिल जाएगा। तो गाइस हमारे पास फिर से 64 हो चुके हैं गोबल स्टोन्स, तो इनका हम अब चलते हैं और नहीं रुक। ओह यार गाइस बातों बातों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, शिट।
शायद पता नहीं मेरी वो चीजें डायमंड पिकैक्स तक मेरी गई। तो गाइस उम्मीद है कि वो पानी में नहीं गिरी, पानी में ही गिरी हो, लावा में नहीं गई चली हो। तो गाइस डायमंड पिकैक्स तो मुझे नजर आ रही है, बहुत सामान मेरा बाहर है, मेरे ख्याल से अंदर भी गया होगा। मतलब मैं सबसे पहले तो ये लावा बंद करने वाला हूँ। लावा बंद हो चुका है, अब हम यहाँ से बहुत आसानी गुजर सकते हैं। तो मेरी शायद कुछ चीज़ें फिनिश गई, क्योंकि मैं जो 64 लेके आया था ग्लोबल स्टोन वो भी गए। तो अब हमें दोबारा जाना पड़ेगा और खुदाई करनी पड़ेगी। क्या मजाक है यार। हाँ तो वैसे आप देख सकते हैं मैंने फिर से 64 ग्लोबल स्टोन ले लिए हैं। तो अब मैं चलता हूँ गाइस, मैं दूसरी दफा जा के फिर से लाया था गोबल स्टोन और उनमें से सिर्फ 45 बचे हैं, और रात भी हो चुकी है, साइड्स पे हमारी दीवार भी मुकम्मल हो गई है। अब हम पहले सोते हैं। तो भाई मेरे अब शुगर केन भी लगाने होंगे मुझे, तो देखते हैं अगर मेरी चेस्ट में यार बहुत ज़्यादा पड़े हैं तो हम लगाते हैं यहीं से शुगर केन। बाकी हम इसी चेस्ट में रखेंगे, क्योंकि जब हम एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे तो तब शायद से ये मेरे ख्याल में काम आते होंगे, मुझे भी उसके भी रेसिपी नहीं पता। तो पहले सोते हैं। गाइस तो अब हम ये दीवार तोड़ते हैं, तोड़ें किस साइड से, अपने घर से। मेरी पुराने वाली पिकेट्स तो अंदर ही पड़ी है, मैंने और नई निकाल ली है। तो आप देखते हैं इसे बराबर भी करना होगा हमें। इससे ये पता चल गया कि हमें अपना घर इस तरह मतलब यहाँ तक फ्लैट करना है। तो आप करते हैं डायमंड पिकैक्स से ही। जिसने जिसने मेरा चैनल किंग जी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस ये बहुत बोरिंग काम है खुदाई करना, तो वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं, उसके बाद बोरिंग काम देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस वेलकम बैक। तो पूरा आधा घंटा खुदाई करने के बाद हम बराबर हो चुके हैं,
आप देख सकते हैं ये हमारा घर है और अब हमें पीछे वाली दीवार को तोड़ना है लाइक दिस, तो उसे भी तोड़ते हैं। तो अपनी डायमंड पिकैक्स से ही इसका भी खात्मा करेंगे हम। तो क्या गाइस, ये दीवार भी मिट चुकी है और हमारे पप्पू भैया जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, अभी इन्हें घूमने देते हैं। तो आगे वाला जो फ्रंट पे डोर है उसको हम कुछ देर के लिए बंद करते हैं, हमें यहीं से ही जाना पड़ेगा ताकि हमारे ये पप्पू भैया हैं जो वो बाहर ना निकल जाएं। तो नहीं निकलेंगे क्योंकि ये डोर है और ये खोल नहीं सकते। गाइस अभी रात हो रही है, अभी हम सोते हैं और सुबह उठ के पीछे घर बनाएंगे, इसको भी रेस करेंगे। तो गाइस हमारा जो शुगर केन फॉर्म है वो यहीं पे रहेगा, बाकी हम पीछे यहीं ले आएंगे। तो गुड मॉर्निंग अगेन। तो अब हम अपना घर शुरू करते हैं बनाना। कोबल स्टोन से हम अपना घर बनाना शुरू करते हैं। स्टोन ब्रेक भी मेरे पास 2 हैं, आई डोंट नो कहाँ से आए, कैसे आए, तो हैं तो बस हैं। तो वीडियो को स्किप करते हैं, दीवार मुकम्मल करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं उसी घर को हमने यहीं पे बना दिया है, लाइक हो रहा हमारा पुराने वाला घर और ये रहा नया घर। तो अब हम इसमें डोर वगैरह लगाते हैं, बाकी बेड वगैरह मैं यहीं से उठा के ले गया था और वहीं पे मैंने जाकर रख दिए। अब डोर लगाते हैं वहाँ पे जाके और इस घर को यहाँ से शुमंतर करते हैं। सो अब हमें ये घर यहाँ से रेज करना है। ओके गाइस, तो अब हम ये घर को रेस करते हैं। तो गाइस ये हम करेंगे अगले एपिसोड में। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।